लगवाओगे यहाँ? इनके यहाँ नहीं, वहाँ आगे वाली दुकान पे। बस पी पी मार रहे हैं पी। तो यहाँ मैं आके दुकान पे खड़ी हो गई, देख गोलगप्पे के ठेले पे खड़ी हो गई हूँ। भाई बाहर निकलो, अगर गोलगप्पा ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। तो अंकल जो है वो सूजी वाला पूछ रहे थे कि आटा वाला खाओगी कि सूजी वाला, तो वही मैं बता रही थी। और देवाय कह रहा है कि मम्मी मुझे आलू मत लगाना, उसमें मीठी चटनी और गोलगप्पा और मीठा पानी। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आप लोगों को भी बुला रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही थी। तो ये देखो मुझे मिल गया है, क्या कहते हैं इसको, दोना कहते हैं ये, कि दोना गांव के लोग भाई दोना ही बोलते हैं, तो मुझे दोना ही पता। आप लोग कमेंट करके बताना इसको क्या कहते हैं। तो वही एक बगल में खड़ा था, वो भी खा रहा था, बोला कि आप इधर आ जाओ, अंकल बोल रहे हैं। और पांडे को बोली थोड़ा सा आप रिकॉर्ड कर लो, अगर आपको खाना है तो पहले आप ही खा लो। तो बोले कि नहीं सोनम, तो पहले खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। और ये देखो देवाय भी कह रहा है पापा मुझे गोलगप्पे खिला दो। ये भी, इसको भी बहुत अच्छा लगता है, इसका बहुत मतलब बाहर निकलता है तो बोलता मुझे गोलगप्पे खिला दो। तो इसके पापा बोले कि यहीं पे खा लो, लेकिन उतना टेस्टी नहीं था। तो वही मैं मना कर रही हूँ कि मेरे में मीठी चटनी मत डालना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। देवाय के लिए बोली थी तो समझा कि ये भी खाएंगी। तो आप लोग देखिए, ये देखो मोबाइल में पांडे के कवर लग रही है, मेरे में लग रही है। कितना साफ आ रही है फोटो, हमारा कैमरा एकदम सही है, इनके वाले में धुंधला धुंधला सा आया है। हाँ मेरे मम्मी की कवर ही नहीं मिली, बैक वाली पीछे की। देख लो मेरे यहाँ ये कबूतर आके यहाँ टंकी मचाता है और ये को ऊपर बैठा है, देख रहे हो आप लोग। ये दरवाजे की वजह से यहाँ कबूतर इतना ज़्यादा नरक मचाते हैं कि क्या बताऊँ, एकदम परेशान। और लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और इतना धूप निकल गई है, तो अभी बज रहे हैं 11, मुझे छींक आने वाली है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप लोग कैसे हो? तो मैं रात से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मोबाइल में क्या हुआ था, मोबाइल में ये हुआ था कि गई थी टेम्पल लगवाने, इसलिए कि कल को बाय चांस ऐसा ना हो कि ना मोबाइल अगर गिर गई या कुछ हो गया था तो टेम्पल रहता है तो सेफ रहता है, तो टेम्पल इसमें नहीं लगा था। तो इसीलिए हम लोग गए थे, देवाय के पापा से बोले कि आप ले चल के, 50-100 रुपये की चीज़ है, अगर नुकसान हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और 150 में अगर काम हो रहा है तो प्लीज़ करवा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें, और इसकी कवर में देख रही थी गई, लेकिन कबर इसकी कबर थी ही नहीं, किसी और मोबाइल की थी। तो जैसे मैं मतलब उसको वो निकलवा के, मुझे पसंद तो आई थी, लेकिन जैसे उसको सेट कर रहे थे तो उससे मतलब इससे बड़ी थी मोबाइल से, बोला कि इस मोबाइल की कवर नहीं है मेरे यहाँ, मोबाइल में लगवाए, मेरे मोबाइल में लगाए, क्योंकि उनका भी टूट गया था तो 1800 रुपये लगा था। तो जाके मैंने कहा देखो 150 के लिए अगर जी चुराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
तो इसीलिए आप अपने में भी अभी लगा लो, क्योंकि अगर इतना पैसा लगा है तो कुछ दिन तक मोबाइल चला लो, फिर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका भी बैक कैमरा चल नहीं रहा था, दिखाए थे तो बैक कैमरे में मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है जितना पहले आ रही थी, क्योंकि मैं कल उनके वाली मोबाइल से ब्लॉगिंग की थी थोड़ा सा, तो बहुत धुंधला धुंधला सा आ रहा था। तो बोले कि देखो अब तुम्हारी न्यू मोबाइल आ गई है तो मेरी की गंदी की बात मत करो, अभी तक किसी से काम चला रही थी थोड़ा बहुत। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो वो अपने मैंने कहा आप भी अपने में भी लगवा लो, मेरे में भी लगवा लो। और रास्ते में कहते ना कहीं निकलो और पानी गोलगप्पा ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। तो रास्ते में दिखा तो मैंने कहा अब कम कर दीजिए, 20 के 6 खिला रहा था, और जो ठीले वाले होते हैं वो 10 के 6 खिलाते हैं, 10 के मतलब 4 खिलाते हैं, वो 20 के 6 खिला रहा था आटे के, 20 के 6, और जो सूजी के थे पता नहीं कितना बताया था, 20 के 4। तो मैंने आटे वाला खाया था, फिर उसके बाद उतना टेस्टी नहीं था जितना मतलब उधर बीच में खिलाते हैं ना, एक ठेला वाला है बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा पानी उसका, इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है क्या बताऊँ गाइस। तो ये बोले कि ये काम करो यहीं खा लो, क्योंकि अब अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, फिर अपना काम करवा के मैं खाना भी नहीं बनाई थी, वही 7 फुट के करीब में गई थी। तो बस ये गुड मॉर्निंग दिन हो गया, मंजर पानी पानी पीना चाहिए, और इसका स्कूल में आज इसलिए नहीं भेजूं क्योंकि इसके पापा मना कर रहे थे। तो मैं कॉल की थी इसके मतलब क्लास टीचर के पास, तो वो उठाई नहीं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन करके पहले पता करूँ कि बुक वही लगेगी कि चेंज है और या दूसरी लेनी पड़ेगी, तो प्रॉपर क्लास कब से चलेगी, क्योंकि अभी न्यू एडमिशन हुआ है तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर नए ही आएंगे, क्योंकि मेरा बच्चा फर्स्ट में फिर से रिपीट करवा रही हूँ। तो आज मैम से पूछूंगी, फिर उसके बाद इसकी कॉपी और बोलेंगी कि हाँ बुक आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, तो फिर बुक जाके स्कूल से ले आऊँगी, सारी चीज़ इसका फिट करूँगी क्योंकि बैग भी फट गया है, सारी चीज़ इसका क्लियर करके तब इसको मैं अच्छे से स्कूल भेजूँगी, और ये भी पूछ लूँगी प्रॉपर क्लास कब से है। तो आप लोग गाइस समझ ही सकते हो कि कितना काम होता है, कितना खर्चा होता है, हर चीज़ पता है बताने की जरूरत। तो ये देखो देवा कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि बज रहे हैं 2, बोलो। ये मोबाइल मेरी फोड़ दिया, आप लोगों को दिखाती हूँ, जो पुरानी वाली मोबाइल थी वो थोड़ा बहुत चल रही थी, काम हो रहा था, थोड़ा देखने के लिए भी दे देती थी इसको, आज ये गिरा भी दिया, ये देखो ऑन भी नहीं हो रही है, इसकी जो दशा इसने कर दी है। तो आज इसकी मैं पिटाई बहुत अच्छे से की हूँ, पूरा तोड़ दिया है, मुक्का मुक्का मार के, और ऊपर से मुक्का भी मारा और नीचे फर्श पे गिरा दिया इसका, पूरा देख लो, ये माइक ये कैमरे के सामने देख रहे हो, ये पूरा तोड़ के एकदम कह रहा है अब ये ओपन भी नहीं हो रही है। मान लो इसको बनवा के थोड़ा बहुत पैसा लगा के अगर उसमें एक्सचेंज में डाल देते तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। हाँ उनकी भी मोबाइल जो है ख़राब थी, मतलब इसको इतना मना करने के बाद भी मुझे पता था इसके हाथ में गई है ना कि इसको निपटा के ही मानेगा, बेचारी इतनी अच्छी मोबाइल थी, उसी से मैं कितना वीडियो बनाई हूँ कि आप लोगों देखे ही हैं। और आज मुझे ये महीना भर से मिला है, नहीं मैं उसी से काम करती थी, सेकेंड हैंड देवर ने दिया था, सेकेंड हैंड मोबाइल थी, क्योंकि मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि न्यू मोबाइल मैं ले लेती। और उस टाइम और जब लगा कि हाँ आप इसको मोबाइल दे देना चाहिए क्योंकि इसकी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं जा रही है, मैं बहुत मेहनत करती थी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता है गाइस, क्या बताऊँ, मैं मोबाइल ले सकती थी लेकिन कैसे ना कैसे करके EMI करवा के मैंने मोबाइल ले लिया, जो हकीकत है वो बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि मैं कैश दे के ले लेती, और ऊपर से जो बची खुची थी ये निपटा दिए जनाब। अब इसके पापा के भी मोबाइल समझ लो ख़राब ही है, वो बेचारे अपने लिए भी सोच रहे हैं, अभी तो मेरी ही EMI चल रही है, अब उनकी देखो वो कब कैसे क्या करते हैं, घर भी जाना है, यही प्रॉब्लम है, मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मना करते थे, लेकिन सच्चाई जो है मैं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों से तक शेयर करूँगी कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं दिखावा नहीं करती हूँ। तो ये जो मेरी मोबाइल है इसकी EMI चल रही है, हर महीने जमा करना पड़ता है, 4000 की EMI करवाए हैं तो मंथली मुझे देना पड़ेगा, 2-3 महीने की कराए हैं और घर भी जाना है, मैं ही सोच रही हूँ। और ऊपर से इसको क्या है, ये दिन भर ना वही मोबाइल के पीछे रहता था और उस पर मुक्का मार मार के ये तोड़ दिया, और क्या बताऊँ, और घर में पूरा काम वाम सब खत्म कर दी हूँ, बस खाना खाना है, और ये पढ़ाई भी कर रहा है, इसीलिए आज इसकी पिटाई बहुत अच्छे से की हूँ, ये अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं कर, मना करने के बाद ना अब ये अच्छे से सारी बातें सुनेगा।
तो आप लोग देख ही लिए हो। इस मोबाइल में गई टेम्पल लगवाने, कहते ना जो करो अच्छा होता है बुरा। मैंने सोचा कि कल इसके लिए सोच ही रही थी, आज इसने कांड कर दिया कि गई इसमें टेम्पल लगवा के लाई, वो उसको गिरा के उसका ऑन भी नहीं हो रही है, लगता है गया वो डिस्प्ले। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।